अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर करे, आमीन। नाज़रीन, आज की हमारी कहानी दो लाशों का अजीब किस्सा। रात 1:30 बजे का वक्त था, अचानक मेरी आंख खुल गई। सोई तो मैं पहले भी नहीं थी, बस सोने की अदाकारी कर रही थी। मैंने सर उठाकर साथ वाली चारपाई पर सोई हुई अम्मा को देखा। दिन भर के कामों से थकी मेरी अम्मा बेचारी घड़े बेचकर सो गई थी। मैं आराम से चारपाई से उठकर बैठ गई। चंद लम्हे अम्मा को गौर से देखा, फिर मैं दबे कदमों अलमारी की तरफ बढ़ी और खामोशी से अलमारी खोलकर उसमें से कपड़ों की बंदी हुई एक गठड़ी निकाल ली और फिर अलमारी को बंद कर दिया। अब मेरा रुख घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने एक मर्तबा अपनी अम्मा को देखा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी अम्मा के साथ ज्यादती कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही दिल में आने वाले दूसरे ख्याल ने हिम्मत पकड़ ली कि नहीं, आज मोहब्बत मिल रही है और मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, मुझे इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तो इसी मौके की तलाश में थी। ये सोचकर मैं अपने इरादे में मज़ीद पुख्ता हो गई और फिर अपनी माँ पर अलविदाई नज़र डालती दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आई। कदमों की चाप में किसी किस्म की आवाज़ पैदा किए बगैर मैं दरवाजे की तरफ लपकी। आहिस्ता से बाहर का दरवाज़ा खोला और फिर मैं घर से बाहर निकल आई। जाती गर्मियों के दिन थे इसलिए मौसम खुशगवार था। गली में उस वक्त मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा तारी था। घर के कुत्ते भी उस वक्त भोंक भोंक कर सो चुके थे। मैंने गली में मशरक की जानब चलना शुरू कर दिया। गांव की कच्ची गलियों में से गुजरते मैं आहिस्ता आहिस्ता गांव के कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। मैं इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थी। हर तरफ एक खौफ सा था। मेरा रुख कब्रिस्तान की तरफ था। बाहर निकलते ही मेरे कदमों में तेजी आ गई। अचानक मेरे अंदर कहीं से आवाज आई कि जो कुछ मैं करने जा रही हूं वो ठीक नहीं। लेकिन एक मर्तबा फिर मैंने अपनी अंदर की आवाज को थपक थपक कर सुला दिया कि यह दलीलें इश्क के हक में नामुनासिब हैं। मोहब्बत को पाने के लिए कुर्बानी तो देना पड़ती है। मगर मेरे दिल ने एक बार फिर समझाना शुरू किया कि शबाना, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, सारी जिंदगी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने में लगा दी। यह ख्याल आते ही मैंने खुद से कहा, अगर पाला तो क्या हुआ, कौन सा उन्होंने मुझ पर एहसान किया, मुझे दुनिया में लाने का सबब भी तो वही थी और अब ये उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी परवरिश करें। मैंने अपनी दलीलों से अपने ज़मीर को कायल कर लिया। मेरे कदम तेज़ी से गांव के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। गांव के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ थी, सारी जिंदगी इसी गांव में खेल कूद कर गुजार दी थी। 20 साल के होने को आ गई थी। पिछले 1.5 साल से मैं ज़ुबैर से मुंसलिक थी और चूंकि घर वाले हमारी शादी पर आमादा नहीं थे इसलिए ज़ुबैर ने मुझसे कहा था, आज रात मैं उसका कब्रिस्तान में आकर इंतज़ार करूं, यहां से हम शहर रवाना हो जाएंगे, वहां हम जाकर कोर्ट मैरिज करेंगे, मुकीम हो जाएंगे। दरअसल ज़ुबैर गांव के सबसे मोज़ज घराने का बेटा था और वो शहर में पढ़ाई कर रहा था। मैं और मेरी माँ बहुत गरीब थे और मेरी माँ कहती थी अपनी हैसियत के मुताबिक ख़ानदान में ही मेरी शादी करेगी और हमारे उसी गुर्बत के सबब ज़ुबैर के ख़ानदान वाले भी रजामंद ना थे। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत और मुश्किल से थोड़े बहुत जेवर बना रखे थे जो मैंने एहतियात के साथ गठड़ी में बांध लिए थे। कब्रिस्तान में बहुत सन्नाटा था और चोरी चकारी के खौफ से मैंने अपनी गठड़ी पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली थी। मुझे यकीन था कि ज़ुबैर 2 बजे कब्रिस्तान पहुँच जाएगा, फिर हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे। वो गाड़ी पहले ही कब्रिस्तान के बाहर किसी जगह खड़ी कर चुका था जहाँ से हमें निकलने में कोई परेशानी ना होती। मुझे अब यहाँ ज़ुबैर का इंतज़ार करना था।
मैं कब्रिस्तान के एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई और उस रास्ते की तरफ देखने लगी जो गांव की तरफ से आ रहा था, मगर अभी तक जुबैर का कोई पता ना था, लेकिन मुझे यकीन था कि जुबैर जरूर आएगा। मेरे दिल की धड़कन बड़े अजीब अंदाज में ऊपर नीचे हो रही थी। रात के उस पहर यूं कब्रिस्तान में आकर खड़े होना बड़ा अजीब लग रहा था। एक तो कब्रिस्तान और दूसरा हमारे और साथ वाले गांव में आजकल चोर डाकुओं का भी डर था। मेरे पास थोड़े से ही जेवर थे, लेकिन ये चूंकि हमारा गांव था इसलिए मैं कभी नहीं डरी। लेकिन मैं रात को यूं घर से कभी नहीं निकली थी। खड़े खड़े मैं थक गई और बिलाखर थक कर दरख्त के पास मौजूद कब्र के थड़े पर बैठ गई। कभी कभी कहीं दूर से किसी उल्लू या गीदड़ के बोलने की हल्की सी आवाज़ आ जाती जो माहौल को मजीद खौफनाक बना देती। एक अजीब सा खौफ और सन्नाटा सारे माहौल पर तारी था। दूर गांव के एक मकान पर लगा मध्यम सा बल्ब अंधेरे को ख़त्म करने की कोशिश में था। वहां बैठे हुए मुझे अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई ना था, मगर थोड़ी देर बाद सरसराहट की आवाज़ दोबारा आई और पहले से भी तेज हो गई। मैं घबरा कर खड़ी हो गई, इधर उधर देखा लेकिन कोई ना था। फिर चांद की मध्यम रोशनी में मैंने वो मंजर देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझसे थोड़ा सा दूर मौजूद एक कब्र की सतह थोड़ा थोड़ा सरक रही थी। मैं घबरा कर नीचे बैठ गई और खुद को एक कब्र के कुतबे के ऊपर छुपा लिया। कब्र की मट्टी आहिस्ता आहिस्ता सरकती रही और बिलाखर वो कब्र खुल गई और उसमें से कफनपोश लाश बाहर आना शुरू हो गई। ये सब देखकर मेरे औसान खता हो रहे थे कि अचानक खुलने वाली कब्र के नज़दीक मौजूद एक और कब्र उसी अंदाज में हिलना शुरू हो गई और उसकी मट्टी सरक सरक कर उसमें से सफ़ेद कफन पोश लाश निकली। आधी रात के वक्त ये मंजर देखकर मेरा सांस हलक में अटकना शुरू हो गया और साथ ज़मीन पर बैठ गई। फिर उन दोनों ने अपने सीनों पर हाथ मार मार कर जोर जोर से रोना और ख़ुद को पीटना शुरू कर दिया। मैं पूरी तरह खौफ से बर्फ बन चुकी थी। ये दोनों लाशें बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थीं। मैं यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। अंधेरे सन्नाटे में उनकी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ बेहद खौफनाक और दर्द भरी थी। काफ़ी देर रोने पीटने के बाद वो दोनों लाशें चुप हो गईं। फिर उनमें से एक ने कहा, पता नहीं कब तक हमें यह अजाब झेलना होगा, कब हमारे गुनाहों की सज़ा ख़त्म होगी। दूसरी लाश ने रोती आवाज में जवाब दिया कि शायद कभी नहीं, हमारे किए की सजा हमें हर रोज हर रात मिलती रहेगी। हमें हर रात अपनी कहानी को दोहराना पड़ेगा, शायद हमारे जख्म हमारे मरने के बाद भी नहीं भर सकेंगे, लेकिन शायद उन पर कुछ मरहम पड़ जाए, शायद एक दूसरे को सुनाकर हमारे दुख कुछ कम हो जाएं। फिर पहले निकलने वाली लाश ने कहना शुरू कर दिया, मेरी कहानी बड़ी अजीब है। आज से तकरीबन 200 साल पहले इसी गांव में हमारा घर था। खूबसूरती हमारे घर की दासी थी। घर में दौलत की रेल पेल थी जिसने मुझे मगरूर बना दिया था। मैं किसी को खातर में ना लाती, हर किसी से बदतमीजी से बात करती। ऐशो इशरत ने मुझे सख्त मगरूर बना दिया था। गांव में हमारी जद्दी पुश्ती काफ़ी ज़मीन थी। गांव में हमारा घराना काफ़ी अमीर तसव्वुर किया जाता था। उस अमीरी और मेरे माँ बाप के बेजा प्यार ने मुझे बहुत बिगाड़ दिया था और मेरी आदतें बिगड़ती चली गईं। मैंने हर किसी से बदसलूकी करना शुरू कर दी। उसमें कुछ अमल दखल मेरी शक्ल सूरत का था। बाकी बहन भाइयों के मुकाबले में मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और शायद उसी वजह से मेरे वालदेन भी मुझे ज़्यादा चाहते थे और उनके यही चाहत दिन ब दिन मुझे बिगाड़ती चली गई। बड़ों को जलील करना और छोटों से बदतमीजी करना मेरा मशगला बन चुका था। शादी का वक्त आया तो कोई आदमी मेरी नज़र में जचता ही नहीं था, ना ही कोई मेरे मयार में था। मेरे माँ बाप बहन भाई सब मेरा भला चाहते थे, मुझे समझाते थे, लेकिन मेरी समझ में कुछ न आता। सब रिश्तेदार और अहबाब मुझे मगरूर जानकर मुझसे पीछे हट गए और मेरे रिश्ते आने बंद हो गए।
शुरू शुरू में तो बहुत रिश्ते आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह सिलसिला कम होना शुरू हो गया। लोग मुझसे दूर हो गए। लोग कहते थे ये चिड़चिड़ी और बदमिजाज है, और मेरे रिश्ते आना तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। मगर मुझे उस बात की कोई परवाह ना थी, बल्कि मुझे तो अपने हुस्न और जवानी पर बहुत नाज था। फिर एक दिन मुझे एक लड़का पसंद आ गया। उसकी जाहिरी शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी, लेकिन ख़ानदानी हैसियत में वो हमसे बहुत कम था। मैंने वालदेन के सामने शर्त रखी कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से, वरना नहीं, क्योंकि लड़का जैसा भी हो मेरे वालदेन चाहते थे कि मेरी शादी कम अज़ कम हमारी हैसियत के ख़ानदान में हो। वो किसी गरीब घराने में हरगिज़ मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। वालदेन ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। उनका लाड प्यार मेरी ज़िद की सूरत में उनके आड़े आ रहा था। मेरे वालदेन मेरे ज़िद के आगे मजबूर होकर लड़के के घर गए, और हमारे गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि लड़की वाले खुद चलकर लड़के के घर गए। लड़के वाले गरीब थे, उन्होंने इस पेशकश को नेमत खुदावंदी समझा और झटपट मेरी उससे शादी हो गई। मेरा इसरार था कि लड़का हमारे घर आकर रहेगा, लेकिन घर दामाद बनकर रहेगा। लड़के वाले तो उस बात पर खुश थे कि उनके लड़की की शादी एक अमीर घराने में हो गई। इस तरह वो लड़का हमारे घर आकर रहने लगा। मैं उसे खावन से ज्यादा अपना गुलाम समझती थी। हमारी हवेली में नौकरों की कोई कमी ना थी, लेकिन मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहती थी। जिस वक्त वो मेरा खावन बन गया, मुझे यूं लगा जैसे वो मेरी जायदाद का हिस्सा बन गया हो। उसकी अहमियत मेरी नज़रों में कम होती चली गई। वो मेरे सामने किसी बेकस मुलाजम की तरह सर झुकाए खड़ा रहता। मैं उसे पसंद तो करती थी, लेकिन उसे वो हैसियत और मुकाम देने की रवादार नहीं थी जिसका वो हकदार था। उसका असर यह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे दूर होता चला गया। वो बज़ाहिर तो मेरे सामने रहता, मेरी नज़रों के सामने, लेकिन मुझसे ज़्यादा बोलता चालता नहीं था। मैंने उसके घर वालों का दाखला अपने घर में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। वो अक्सर इसी कश्मकश में परेशान और उलझा रहता था, और अब मेरी भी उसमें दिलचस्पी कम होती जा रही थी। और फिर एक रोज़ मैंने हमेशा के लिए उससे अलीहदगी अख्तियार कर ली। शायद वो भी यही चाहता था, और मुझसे जान छूट जाने पर वो बेहद खुश था। वक्त उसी तरह गुजरता रहा, मेरी खुदसरी में कोई कमी ना आई। मेरे वालदेन एक मरतबा फिर मेरे फैसले से नाखुश थे, लेकिन मैं किसी की बात सुनने को तैयार ना थी। कुछ अरसे के बाद मेरे वालदेन का इंतकाल हो गया, और मकाफात अमल का दौर शुरू हो गया। वालदेन के इंतकाल के बाद मेरे बहन भाइयों ने मुझे बोझ समझना शुरू कर दिया। वही घर, वही हवेली जहां मेरे एक इशारे पर सब मेरे हुक्म के गुलाम बन जाते, अब वही घर मेरे लिए अजाब बन गया, क्योंकि मेरे नाज नखरे उठाने वाले मेरे माँ बाप ना थे। जायदादें बिकना शुरू हो गईं, क्योंकि मेरे भाई ना अहल थे। हालात खराब होना शुरू हो गए। मैं अभी उम्र की मंजिलें तय कर चुकी थी, जवानी से अब बुढ़ापे की तरफ सफर कर रही थी। अल्लाह ताला ने औरत की जवानी का वक्त बहुत कम रखा है। बच्चों की पैदाइश और हालात औरत को बहुत जल्द बूढ़ा कर देते हैं। मेरी खूबसूरती और हुसन मान पड़ने लगा, और दौलत की रेल पेल भी कम होने लगी। मेरे भाइयों ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए, और एक दिन सब भाइयों ने मिलकर मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। उस वक्त मुझे अपने वालदेन और शोर की बहुत याद आई, लेकिन अब क्या हो सकता था। मुझे अपने घर वालों के रवैये पर बहुत दुख था, मगर मेरे भाई मुकम्मल तौर पर मेरी भाभियों के जरखरीद गुलाम बन चुके थे। अब इस भरी दुनिया में मेरा कोई ना था। मैं कहाँ जाती, सारा दिन दर बदर इधर उधर भटकती रही। मैंने सोचकर अपने सबका शोर के पास जाने का इरादा किया, और मैं लाचारी में अपने सबका शोर के पास पहुंची। अब वही मेरी आखिरी उम्मीद था। मैंने उसे सारा किस्सा सुनाया। वो मेरी ऐसी हालत देखकर बहुत रंजीदा हुआ, लेकिन अब वो दूसरी शादी कर चुका था। मगर मुझ पर तरस खाकर उसने मुझे अपने घर में रख लिया, हालांकि मेरा उसके घर में अब रहने का कोई हक न था।
उसकी बीवी ने मुझे बहन बनाकर रखा। वो दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते, लेकिन मेरा जमीर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और मैंने तय कर लिया कि अब किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। और एक दिन खामोशी के साथ बिना किसी को कुछ बताए मैं घर से चली गई और रेलवे लाइन पर लेट गई और ट्रेन के नीचे आकर मैंने हराम मौत को गले लगा लिया। यह कहकर उस लाश ने पहले की तरह रोना और खुद को पीटना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान का माहौल बेहद खौफनाक हो रहा था।